दोस्तों प्रतीक सेजवाल और डेवोलिना भट्टाचार्य की एक बार फिर से जोरदार फ्रेंडशिप देखने को मिल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि डेवोलिना भट्टाचार्य एक ऐसी सदस्य हैं जो ज़्यादातर घर वालों से लड़ती झगड़ती हुई नज़र आती हैं, लेकिन उनकी प्रतीक सेजवाल के साथ में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है और प्रतीक सेजवाल इतने चालाक मेंबर हैं कि उसी से दोस्ती करते हैं जो उन्हें टारगेट करना पसंद करती है। दोस्तों इसलिए उन्होंने प्रतीक सेजवाल ने अपने जाल में फंसाया है डेवोलिना भट्टाचार्य को, क्योंकि उन्हें पता थी कि अगर डेवोलिना भट्टाचार्य उनके साथ खड़ी होकर आती हैं तो सोचिए उनका गेम पूरी तरीका से मजबूत हो जाएगा। लेकिन डेवोलिना भट्टाचार्य वाकई में एक बहुत ही मूर्ख सदस्य में से देखी जा रही है, क्योंकि प्रतीक उनके कॉम्पिटिशन है और प्रतीक की को ही उन्होंने अपना जीवन साथी चुनने का फैसला किया है, क्योंकि प्रतीक से वो फिलहाल लाइक कर रही हैं और प्रतीक उन्हें किसी भी तरीका से टच करता है, उन्हें कोई भी किसी भी तरीका की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फिलहाल डेवोलिना भट्टाचार्य और रश्मि देसाई के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि रश्मि देसाई काफ़ी मजबूत सदस्य में से गिनी जाती हैं और रश्मि देसाई के आने के बाद में अब डेवोलिना भट्टाचार्य एकदम तंच रह चुके हैं, क्योंकि डेवोलिना भट्टाचार्य को लग रहा था कि रश्मि देसाई उनके लिए खेलेंगे, लेकिन रश्मि देसाई अपनी तरीका से खेलती नजर आ रही हैं। हालांकि घर में सभी सदस्य अपने अपने तरीका से खेल रहे हैं, चाहे निशांत भट्ट हो, चाहे करण कुंद्रा हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे समिता सेट्टी हो, या कोई भी घर का मेंबर हो, सब अपनी तरह से खेल रहे हैं। लेकिन डेवोलिना भट्टाचार्य को लग रहा था कि मेरी तरीका से खेलते हुए नजर आएंगी, लेकिन रश्मि देसाई ने उनकी तरफ से खेलने से साफ साफ खुले शब्दों में इनकार कर दिया और वाकई में इसी बीच में देखने को मिल गया कि किस तरीका से रश्मि देसाई उनसे बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं, उनकी दोस्ती से भी बाहर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों मामला यही नहीं थमा, लेकिन उन्होंने प्रतीक सेजवाल को अपने जाल में फंसाया और प्रतीक के साथ में फंसाने के बाद में अब उन्होंने अपना गेम प्लान अलग तरीका से खेलना स्टार्ट कर दिया। साथ ही दोस्तों मैं चाहता हूं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।